आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की स्पेशल दाल ढोकली, जो बहुत टेस्टी लगती है। दाल ढोकली बनाने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दाल ढोकली। दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप दाल का यूज़ किया है, जिसमें 3/4 कप मूंग की दाल है और 1/4 कप चने की दाल है। यहाँ मैंने दाल को 1 घंटे पहले भिगो लिया था। दाल में तड़का लगाने के लिए 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 7-8 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च, 1 नींबू, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया है। ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा और 1 बड़ा चम्मच बेसन का यूज़ किया है। आटा लगाने के लिए हमने यहाँ अजवाइन और तेल लिया है, और ये कुछ मसाले हैं जिससे हम दाल और ढोकली बनाएंगे। तो आइए हम पहले ढोकली का आटा लगा लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा नमक मिला लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ मैं अजवाइन ले रही हूँ करीबन 1 चम्मच। इसे हम मसल के अच्छे से ढोकली के आटे में मिला देंगे और यहाँ बीच में खड्डा करके मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करने की ज़रूरत है। ये देखिए अच्छे से बंधना चाहिए, लेकिन ये इतना अच्छे से नहीं बंध रहा है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल और ऐड करूँगी और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इस आटे को पानी से गूंदेंगे। हमें बिल्कुल बाटी जैसा आटा लगाना है, टाइट आटा लगाना है। ये हमारा आटा लगकर तैयार है, और ये देखिए बस आटे की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये आटा लगाने में मेरा आधा कप पानी लगा है। अब हम ये आटे से छोटी छोटी ढोकली बनाएंगे। ये देखिए इस साइज में इसको अच्छे से हथेलियों के बीच में घुमाते हुए प्रेस करेंगे और बीच में एक होल बनाएंगे जिससे हमारी ढोकली कच्ची ना रहे। अब इसी तरह हम सारी ढोकलियां बना लेंगे। ये हमारी सारी ढोकली बनकर तैयार है। अब हम दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 गिलास कुकर में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें दाल मिलाएंगे। इसमें हल्दी और नमक मिलाएंगे। अब इस दाल में 1 बॉईल आने के बाद ढोकली मिलाएंगे। दाल में उबाल आ गया है, अब हम इसमें ढोकली मिलाएंगे। अब यहाँ कुकर बंद करके इसे 4 से 5 सीटी लगाएंगे। यहाँ हमने 5 सीटी ली है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये कुकर ठंडा होता है, इतनी देर हम दाल में तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ घी लिया है, 2 चम्मच घी लिया है। हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा मिलाएंगे। हींग डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज सेकेंगे, हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। जब तक हमारे ये प्याज हल्के ब्राउन हो जाते हैं इसको तब तक सेकेंगे। अब हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से सेकेंगे।
प्याज सिककर हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें टमाटर मिलाएंगे और इसमें लाल मिर्च, नमक, नमक हमने ढोकली में और दाल में भी मिलाया है, इसके लिए नमक मिलाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हमारा मसाला सिककर तैयार है, इसमें मैंने 1/4 कप पानी मिलाया है। यहाँ हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है और हमारी दाल ढोकली भी रेडी है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये उबली हुई दाल को हम इस मसाले में मिक्स कर देंगे। अब ये दाल ढोकली मसाले के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ हम दाल ढोकली को सर्व करने के लिए इस पर थोड़ा बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज, हरा धनिया, यहाँ मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे दाल ढोकली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चुटकी भर चाट मसाला ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, और थोड़ा सा नींबू का रस मैं मिला रही हूँ इसमें। तो ये दाल ढोकली बिल्कुल तैयार है, आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।